सब आपके साथ हैं, आप कभी डरिएगा नहीं इनसे। मुकदमा लगेगा तो हम लोगों की पल्ली में बड़ी बात रखे, उसके ऊपर मुकदमा लगाने का दबाव बनाया जाता है। लगा दिया जाए मुकदमा लगा दिया जाए, हम लोग मुकदमा लड़ लेंगे, लेकिन जनता की आवाज को हम लोग, जनता ने चुनाव जिता कर भेजा है तो हम लोगों ने जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए ही जनता ने हमको वोट दिया है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, बहुत सारे वक्ता है लेकिन मैं निवेदन करता हूँ कि जब तक पंचों को सरपंचों को, अभी हमारे शिवराज सिंह जी ने झूठी घोषणा हम लोगों को ठगने के लिए लंबी लंबी घोषणाएं किए, एक भी घोषणा लागू नहीं हुई। हम लोग ठगी में आले आलोक नहीं है कि हम लोग उनके ठगी में फंस जाएंगे। अभी आने वाला है, समय आने वाला है, ईंट बजा देंगे। साथियों आप लोग इंतजार करना, जब समय आएगा तो ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे, ज्यादा कुछ न करेंगे। इसलिए आप सब यहाँ उपस्थित है सर, हम युवाओं की बात करते हैं, मैं भी युवा हूँ, हम युवाओं की बात करते हैं। युवाओं की क्या दुर्दशा है साथियों, युवा साथी दर दर की ठोकरें खा रहा। उप सरपंच गण, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं साथियों, और हमारे यहां सामने बैठी हमारी ये माताएं बहने, हमारे युवा साथी गण, हमारे बुद्धिजीवी लोग, आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं आप सबको साथ। ये विचार सबके मन में आया होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। उद्बोधन के लिए हमारे बीच विनोद सागर जी हैं, जो कि ग्राम पंचायत आए।